नमस्ते दोस्तों, सिलास फूडशाला में आपका स्वागत है। अगर आपके चावल बच जाए तो चिंता ना करें, ये लंच और डिनर में भी बना सकते हैं। आइए बनाते हैं चावल के गट्टे। मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए घंटी जरूर दबाएं। 2 कप बचे हुए चावल, 1/4 बेसन, 1/4 ज्वारी का आटा, 1 कप से थोड़ा कम गेहूं का आटा, आधा टीस्पून हल्दी, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 2 टेबलस्पून मोइन के लिए तेल, बारीक कटी 1 हरी मिर्च, बारीक कटा हरा धनिया, अच्छे से मिला लें। चावल में थोड़ा पानी रह गया है तो आप पानी ना डालें। मेरे चावल थोड़े से टाइट है इसलिए मैं थोड़ा सा पानी डाल के डो तैयार करूंगी। डो तैयार हो चुका है। डो को हम आटा जैसा लगाएं और इसके 4-5 भाग कर ले। हथेली की सहायता से इसे थोड़ा सा मत लें और इसकी लंबी बेल बना लें। बेल थोड़ी मोटी रखें, पतली ना करें, पतली होने से ये टूट जाएगी। इसके आप पराठे भी बना सकते हैं। कढ़ाई में पानी डालें, थोड़ा सा नमक, पानी को ढक्कन देके उबाल लें। उबाल आ चुका है, इसमें सब बेल डाल दें। पानी थोड़ा ज्यादा रहना चाहिए और इसे 5 मिनट उबलने दें। 5 मिनट हो चुके हैं। चक्कू से देखें, अगर चक्कू पे आटा लगा है तो हमारी बेल नहीं पकी है, अगर नहीं लगी है तो हमारी बेल पक चुकी है। बड़े बड़े पीस काट लें। आपको अगर छोटे काटने हैं तो आप छोटे भी कट कर सकते हैं। आइए ग्रेवी बनाते हैं। 2 टेबलस्पून तेल, थोड़ी सी हींग, 2 तेज पत्ता, कड़ी पत्ता थोड़े से, 2 प्याज जो हमने कद्दूकस कर लिए हैं और इन्हें डाल के अच्छे से फ्राई कर लें। थोड़े से ब्राउन हो जाए तब तक इसे चलाते रहें। 2 टमाटर की प्यूरी, इसे अच्छे से भून लें। प्याज और टमाटर अच्छे से पक चुके हैं। हल्दी पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, नमक, बारीक कटा हरा धनिया, इन्हें अच्छे से मिला लें और 2 मिनट पकने दें। जो गट्टे हमने काटे थे वो इसमें डाल दें। ध्यान रखें धीरे धीरे डालें, धीरे हिलाएं, ये टूटे ना। 5 मिनट पकने दे, ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। हरी धनिया डालें ऊपर से। हमारे बचे हुए चावल के गट्टे तैयार हो चुके हैं। आपके चावल के गट्टे कैसे बने हमारे से जरूर शेयर करें। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।